हमारे साथ जुड़ रही हैं। देश की ऐसी कंपनी है जो कि अगर वो शायद नहीं होती, मैं गर्व से बोल सकता हूँ, अगर नहीं होती तो बहुत सारे डिफेंस कंपनीज के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। वो कंपनी का नाम है मिश्रित धातु यानी कि मिधानी, और उनके चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर SK झा हमारे साथ जुड़े हैं। झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चनों का सिलसिला तो मैं आपसे शुरू करूंगा ही, लेकिन पहले थैंक यू कर दूं। आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, और शायद ये कंपनी नहीं होती तो मैं जैसे कह रहा था कि डिफेंस कंपनीज के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता, कैसे अपने आप को बनाते, कैसे चलाते। तो सर, मैं एक चीज़ आपसे पता करना चाहता हूँ, सरकार चाहते हम आत्मनिर्भर हो जाएं। सरकार के बहुत सारे पैसे डिफेंस से बाहर चले जाते थे, एयर इंडिया से भी नुकसान होता था। गवर्नमेंट ने दो बड़े स्टेप उठा लिए, एयर इंडिया को बेच दिया, डिफेंस के ऑर्डर भारत में बनाओ। सर, कितना बेनिफिट होता है, कितना ऑर्डर बुक आपका बढ़ जाएगा इससे? सर, हमारे ऑर्डर बुक में इस कदम से काफी वृद्धि होने की संभावना है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ऑर्डर बुक में इस वर्ष जो हमारा ऑर्डर बुक है इसमें करीब 1.5 गुना परिवर्तन आने की संभावना है इस वर्ष के अंत अंत तक। बट इस यहीं तक रुकने वाला नहीं है ये क्रम। इसके अलावा इस क्षेत्र में आप अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं और आने वाले दिनों में और सारे लॉन्च होंगे, जिसमें कि इसका इंडिजनाइजेशन का इंपैक्ट जो टायर थी सप्लायर है, जैसे लाइक हम जैसे मिधानी जैसे कंपनी है, उनके पास रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल्स बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ 1.5 गुना ऑर्डर बुक, ये तो बेस्ड ऑन जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सैंक्शन है, बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और सारे प्रोजेक्ट आएंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी संभावना है कि अभी एक्सपोर्ट में जो बढ़ावा दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, कि इंडिया, आपने देखा होगा पिछले दिनों ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि इंडिया टॉप 15 कंट्रीज वर्ल्ड में, इसमें कि एक्सपोर्टर में इंडिया का नाम आ गया है, जो पहले हम लोग अब टॉप में इंपोर्ट में ही आते थे, अब एक्सपोर्टर में भी नाम आ रहा है। और इसके इस क्षेत्र में अभी काफी ज्यादा आगे हमको बढ़ रहा है, और उसमें लगता है कि उसके हिसाब से भी हमारे ऑर्डर बुक में परिवर्तन आएंगे। पिछले साल हमने एक्सपोर्ट में उल्लेखनीय प्रगति की है, अगर आप देखें तो पिछले साल करीब करीब हमारे एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ा है पिछले साल के जो रिजल्ट आए हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि ये सब मिला जुला के देखा जाए तो संभावनाएं काफी अच्छी है और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, और उसमें मिधानी भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। एंड ये सब देखते हुए हम लोग एक तरह से ये कहें कि इंडिया आत्मनिर्भर भारत की तरफ काफी तेज गति से आने वाले दिनों में बढ़ेगा, और मिधानी का भी उसमें एक अहम भूमिका मिधानी की रहेगी। गुड मॉर्निंग, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। ऑफ कोर्स ऑर्डर बुक काफी दुरुस्त, और ऑर्डर बुक कंपोजिशन अगर देखें डिफेंस में 30-35% और स्पेस में 60% का है। Q3 FY22 के नतीजों में कंपनी के आय में भी हमने अच्छी खासी बढ़ोतरी करीब 25% की देखी थी। मिस्टर अजा, यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि केपेक्स रिलेटेड आपके प्लान्स आगे क्या कुछ हैं, और डिफेंस को पोटेंशियली टॉप लाइन में मीनिंगफुली आने वाले 2 से 3 साल में क्या लगता है, कितने रिटर्न या कितनी बढ़त देखने को मिलेगी? कैपेक्स की अगर बात करें, जो कि अभी 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 जो हमारे बजट अनाउंस हुए थे उसमें आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जो 65% प्लस का कैपेक्स रखा गया है रिजर्व इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और उसके मुताबिक ही उसके कारण ही जो डिफेंस कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, इन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज हर डायरेक्शन में अच्छा आया है। लेकिन जो कैपेक्स हम इन्वेस्ट करते हैं हम अपनी कंपनी के लिए, तो हमारा ये रहता है लक्ष्य कि हम जो आगे 4-5 साल जो हमारे प्रोजेक्शंस है उसमें जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है या हमारे न्यू प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना कैपेक्स डिसाइड करते हैं। तो हमारा कैपेक्स बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और नई नई टेक्नोलॉजी का हमारे इस प्रोडक्शन के फील्ड में उनका समावेश करना, ये सब हमारी लक्ष्य होती है और इसके मुताबिक हम लोग कैपेक्स डिसाइड करते हैं। लेकिन इस मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने पिछले 4-5 सालों में जो एक कैपेक्स का एक बड़ा सा एक ये लिया था, चैलेंज लिया था,
उसमें ऑलरेडी हम लोग 750-800 करोड़ लेवल के प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड कमीशन कर चुके हैं, और इसकी जो एक जो इसका जो एक आउटपुट है, आउटकम है, ये आने वाले दिनों में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इसका इंपैक्ट काफी अच्छा दिखेगा। और इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि कंपनी की जो हमारी जो ऑर्डर बुक है वो डेढ़ गुना इसलिए बढ़ेगी कि इन सबको देखते हुए जो नए नए हमने प्लांट लगाया है और फैसिलिटी लगाया है, इन सबको देखते हुए हमारा अनुमान है कि कम से कम डेढ़ गुना तो पक्का आएगा, लेकिन और भी आगे बढ़ने की संभावना है। झा जी, ये जो आपके दो प्लांट शुरू होने थे, एक तो हैदराबाद में और दूसरा रोहतक में, ये दोनों शुरू हो गए सर? हाँ, दोनों प्लांट चालू हो गए हैं, इसलिए मैं दोनों को बता रहा हूँ कि मैं इसमें दोनों प्लांट हमारे कमीशन हो गए हैं और दोनों में प्रोडक्शन चालू है। और लास्ट क्वार्टर में कुछ इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्शन में उसका आया था, लेकिन इस साल फर्स्ट क्वार्टर से ही इन सबका इम्पैक्ट हमारे सेल्स में, हमारे टर्नओवर में इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। बिल्कुल, काफी बड़ी और अट्रैक्टिव प्रोडक्ट रेंज भी हम देख रहे हैं, मेधानी की सुपर अलॉय, टाइटेनियम, टाइटेनियम अलॉय, स्पेशल पर्पस स्टील्स, पर्टिकुलरली यहाँ पर फोकस और सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस कहाँ अच्छा देखने को मिला है, और मेधानी के स्पेशलिटी स्टील पर काफी ज्यादा फोकस अब फिलहाल प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से कर रही है। मैं ये बताते हुए मुझे काफी प्रसन्नता है कि पिछले साल हमने जो मेधानी का जो मेन जो फ्रंट लाइन जो हमारा हाईली स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स है, जो कि सुपर अलॉयज और टाइटेनियम बेस्ड अलॉयज है, दोनों के क्षेत्र में करीब करीब हमारा पिछले साल के तुलना में, जो हमारा 2021 के तुलना में 21-22 में हमने ऑलमोस्ट डबल प्रोडक्शन किया है, तो इसके कारण और इस साल और ज्यादा उसमें बढ़ने की संभावना है। और ये हमारा एक हाई एंड एरिया है जिसमें कि एक तो हम एक्सक्लूसिव ऑपरेट करते हैं, उसके अलावा इन सब का इंटरनेशनल मार्केट भी काफी अच्छा है, तो डोमेस्टिक में भी जो इनकी डिमांड बढ़ रही है उसको भी हम पूरा करेंगे, और इंटरनेशनल मार्केट में भी इन सब का रिक्वायरमेंट काफी अच्छा है, तो वो हमारे एक्सपोर्ट में भी इसका काफी ज्यादा महत्व होने वाला है। स्पेशलिटी स्टील तो ऑलरेडी हमारा मेजर सेगमेंट है, जिसके कारण हम स्पेस और डिफेंस में काफी उनका योगदान देते हैं, और इसमें और सारे नए चैलेंजेस हमारे पास अभी आ रहे हैं, और नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए टेक्नोलॉजी इसमें हमारे इसमें मेधानी ने एक्वायर किया है और मेधानी ने डेवलप किया है, तो ये सब अभी आने वाले दिनों में काफी अच्छा इसका इंपैक्ट होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर झा, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी और आपकी कंपनी और आपका अब बिल्कुल स्वस्थ रहें, अच्छे से ग्रो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।